गाइस जर्नी ऑफ द चैंपियंस के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने गाइस कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं पीकेएल में। जी हाँ, कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, सारे रिकॉर्ड्स मैं इस वीडियो में गिनवा भी नहीं सकता। और इस खिलाड़ी ने जितनी टीमें बदली है ना गाइस, उतने कई खिलाड़ी सीजन्स भी नहीं खेले अभी तक। जी हाँ, चार टीमें बदली हैं इस खिलाड़ी ने, बेंगलुरु बुल्स, जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पल्टन, तमिल थलावास। इन चारों टीमों की कहानी मैं आपको बताऊंगा इस खिलाड़ी से जुड़ी हुई। और गाइज इस खिलाड़ी का जो नाम है वो है द मोस्ट टैकल पॉइंट्स इन पीकेएल हिस्ट्री, मनजीत चिल्लर। गाइज मनजीत चिल्लर के ऊपर रहने वाली है पूरी वीडियो, मनजीत चिल्लर की पूरी जर्नी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ द चैंपियंस एपिसोड 3, फीट मनजीत चिल्लर। सो गाइस मनजीत चिल्लर ने अपना जो सीजन स्टार्ट करा था, गाइस मनजीत चिल्लर मैं आपको बता दूं सीजन 1 से ही प्रो कबड्डी का हिस्सा है। और मनजीत चिल्लर को प्रो कबड्डी में आने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी क्योंकि उससे पहले वो एशियन गेम्स का भी हिस्सा रह चुके हैं, मतलब इंडियन नेशनल टीम का हिस्सा पहले से मनजीत चिल्लर थे। उसके बाद प्रो कबड्डी चालू हुआ है, मनजीत चिल्लर पहले से ही कबड्डी में इंडिया का नाम रोशन कर चुके थे, तो मनजीत चिल्लर को कोई दिक्कत नहीं हुई। मनजीत चिल्लर सीजन 1 में यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम में शामिल हुए। गाइज स्टार्टिंग में तो हर खिलाड़ी के लिए एक इतनी बड़ी लीग में, बिकॉज उस टाइम पे प्रो कबड्डी लीग जो है एक अलग ही स्टैंड दे रही थी कबड्डी को, क्योंकि कबड्डी को इतने ज़्यादा कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी। बट उसके बाद जो है सीजन 1 के बाद कबड्डी की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। तो सीजन 1 में मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे पहले से ही मनजीत चिल्लर इंटरनेशनल टीम में खेल चुके थे, तो सीजन 1 में मनजीत चिल्लर 16 मैचेस में 122 पॉइंट्स लेने में सफल हुए। मोस्ट पॉइंट्स एक मैच में उनके थे 14 पॉइंट्स, 2 सुपर 8s, 2 सुपर 10s, 3 हाई 5s के साथ जो है उन्होंने अपना ये सीजन ख़त्म करा, जिसमें उन्होंने टोटल 71 रेट पॉइंट्स हासिल करे एंड टोटल 51 यहाँ पे जो है टैकल पॉइंट्स हासिल करे। गाइस मनजीत चिल्लर ने सीजन 1 से ही दिखा दिया था कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, जिसका अंदाज़ा मतलब हम सबको बहुत पहले से ही था। बट यहाँ पे सीज़न 1 में परफॉर्मेंस दिखाने के बाद हमें ये चीज़ और साफ हो गई कि मनजीत चिल्लर प्रो कबड्डी में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मनजीत चिल्लर एज अ कैप्टन यहाँ पे सीज़न 1 में भी खेले थे और सीज़न 2 में भी बेंगलुरु बुल्स के लिए यहाँ पे जो है एज अ कैप्टन रिटेन हुए। सीज़न 2 में भी कहानी कुछ ऐसी ही रही मनजीत चिल्लर की। मनजीत चिल्लर ने स्टार्टिंग से ही सीजन 2 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बट पिछले सीजन से मतलब यानी कि सीजन 1 से सीजन 2 में उन्हें थोड़ा कंपटीशन लेवल थोड़ा अप हुआ, जिसकी वजह से उनके थोड़े पॉइंट्स गिरे। जहां सीजन 1 में मनजीत चिल्लर ने 16 मैचेस में 122 पॉइंट्स अर्न करे थे, इस साल 16 मैचेस में 107 पॉइंट्स ही मनजीत चिल्लर अर्न कर पाए। एक मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मनजीत चिल्लर के थे 11 पॉइंट्स। इस बार उन्होंने एक भी सुपर 8 नहीं लगाई थी, कोई भी सुपर 10 नहीं लगाया था। 3 हाई 5s पिछले साल लगाए थे, 3 हाई 5s इस साल भी लगाए थे। इस साल मनजीत चिल्लर ने यहाँ पे 67 रेट पॉइंट्स हासिल करे एंड 40 टैकल पॉइंट्स हासिल करे। मनजीत चिल्लर के लिए मतलब एकदम डाउन तो नहीं कह सकते, पिछले साल से थोड़ा डाउन था ये सीज़न। सो उसके बाद होता क्या है कि सीज़न 3 में मनजीत चिल्लर को ऑक्शन के टाइम पे टीम से रिलीज़ कर दिया जाता है। इतनी कोई बेकार परफॉर्मेंस नहीं थी, बट सीज़न जैसे सीज़न दर सीज़न बढ़ते जा रहे थे वैसे कंपटीशन लेवल भी बढ़ता जा रहा था। बेंगलुरु बुल्स को शायद उनसे अच्छे कैप्टन मिल गए थे, शायद उनसे अच्छा प्लेयर मिल गया था, इसलिए जो है मनजीत चिल्लर को टीम से रिलीज़ कर दिया जाता है। टीम से रिलीज़ होने के बाद उन पर दाव लगाती है पुनेरी पल्टन। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि मनजीत चिल्लर कोई बुरे खिलाड़ी नहीं थे सीज़न 1 में सीज़न 2 में, इसलिए इतनी ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं हुई। पुनेरी पल्टन ने अच्छी खासी बोली लगा के सीजन 3 में जो है अपनी टीम में शामिल करा मनजीत चिल्लर को। मनजीत चिल्लर को जब उन्होंने टीम में शामिल करा तो उस टाइम पे दीपक निवास हुड्डा टीम के कैप्टन थे एंड मनजीत चिल्लर उनकी कैप्टनसी में स्टार्टिंग में खेले एंड सीजन 3 में मनजीत चिल्लर ने 15 मैचेस में 106 पॉइंट्स अर्न करे थे। इस बार उनका जो मोस्ट पॉइंट्स है ना मैच का, मतलब एक मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स उनके थे 13 पॉइंट्स। साथ ही साथ उन्होंने इस साल 2 सुपर 8s भी लगाई थी एंड 5 हाई 5s लगाए थे। टोटल रेट पॉइंट्स थे मनजीत चिल्लर के 45 रेट पॉइंट्स एंड 61 यहाँ पे जो है टोटल टैकल पॉइंट्स थे। इससे ये चीज़ तो साफ होती है कि मनजीत चिल्लर पहले जहाँ पे एज अ रेडर भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे सीजन 1 में, वहीं सीजन 2 से सीजन 3 में आते आते मनजीत चिल्लर
डिफेंस की तरफ ज्यादा झुकते गए, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 3 से 5 उनके हाई फाइव हुए और सुपर टेंस उनके दोनों सीजन में 0 ही रहे। तो इससे हमें ये चीज तो पता लगी कि यहाँ पे मंजीत चिल्लर जो है यहाँ पे एज अ रेडर से ज्यादा एज अ डिफेंडर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बट जरूरत पड़ने पर रेडिंग में भी खास हाथ जमा रहे थे। सीजन 3 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद सीजन 4 में भी पुनेरी पलटन अपनी टीम में मंजीत चिल्लर को जगह देती है। इतनी कोई हाई लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी मंजीत चिल्लर की सीजन 3 में, बट फिर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई मंजीत चिल्लर ने और सीजन 4 में मंजीत चिल्लर को दोबारा टीम में जगह मिल गई। सीजन 4 में मंजीत चिल्लर ने टोटल 12 मैचेस खेले, इसके अंदर टोटल उन्होंने 68 पॉइंट्स हासिल करे। टोटल एक मैच उनके पॉइंट्स थे 11 पॉइंट्स। इस साल उन्होंने एक सुपर 8 लगाई थी, कोई सुपर 10 उनके नाम नहीं था, और इस साल भी उन्होंने जो है 5 हाई फाइव्स लगाए थे। टोटल टैकल पॉइंट्स थे मंजीत चिल्लर के 44 टैकल पॉइंट्स एंड टोटल रेट पॉइंट्स थे सिर्फ और सिर्फ 24 रेट पॉइंट्स। अब इस साल इतनी कोई खास परफॉर्मेंस मंजीत चिल्लर की थी नहीं, सो गाइज इसके बाद जो है यहाँ पे पुनेरी पलटन ने मौका देने का नहीं सोचा। सीजन 5 आया, नई टीम शामिल हुई, तो अब जो है यहाँ पे ग्रो अप करने का टाइम था। ग्रो अप का मतलब पुराने प्लेयर्स को रिलीज करके नए प्लेयर्स को टीम में शामिल करने का टाइम था, बिकॉज ये था यहाँ पे मेगा ऑक्शन का टाइम। मेगा ऑक्शन के टाइम पे यहाँ पे सीजन 5 में मंजीत चिल्लर इतने कोई यहाँ पे एक ही सीजन के बाद इतने ज्यादा कोई गिरे नहीं थे। इस बार उन्होंने यहाँ इस बार जो टीम थी जिसने उन पे दाव खेला वो थी जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर के बेशक यहाँ पे मंजीत चिल्लर की परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी डाउन जा रही थी, बट फिर भी फैंस का सपोर्ट हमेशा मंजीत चिल्लर को मिलता था, क्योंकि मंजीत चिल्लर हमेशा से बड़े खिलाड़ी रहे हैं। सीजन 5 में मंजीत चिल्लर ने टोटल 15 मैचेस खेले एंड गेस व्हाट, मंजीत चिल्लर सिर्फ और सिर्फ 52 पॉइंट्स ही टोटल अर्न करने में सफल हुए। एक मैच में उन्होंने 9 पॉइंट्स लेने में सफल हुए। साथ ही साथ इस बार मंजीत चिल्लर ने ना ही कोई सुपर रेड लगाई, ना ही कोई सुपर टेंस लगाए, सिर्फ और सिर्फ 3 हाई फाइव लगाए। टोटल डिफेंस के अंदर मंजीत चिल्लर के पॉइंट थे 47 एंड रेड पॉइंट्स थे सिर्फ और सिर्फ 5। अब ये दौर था जहां पे मंजीत चिल्लर टोटली एक तरीके से डिफेंडर ही बन के डिफेंड एज अ डिफेंडर ही टीम के अंदर खेल रहे थे, और आगे भी कोई टीम उन पर दाव खेलती तो एज अ डिफेंडर ही खेलती। सीजन 5 में मंजीत चिल्लर पे दाव खेलने के बाद यहाँ पे जो है जयपुर पिंक पैंथरों की चीज समझ आ गई कि अब मंजीत चिल्लर में वो बात नहीं रही है। मंजीत चिल्लर को सीजन 5 के बाद सीजन 6 के ऑक्शन के टाइम पे टीम से रिलीज कर दिया गया। टीम से रिलीज होने के बाद फिर बारी आती है तमिल थलाइवास की। तमिल थलाइवास की परफॉर्मेंस कोई भी खास नहीं थी। तमिल थलाइवास के लिए यहाँ पे जो है बड़े खिलाड़ी निकल के नहीं आ रहे थे, तो सीजन 6 में यहाँ पे जो है मंजीत चिल्लर पे तमिल थलाइवास की टीम दाव खेलती है, यहाँ पे और भी प्लेयर्स को टीम शामिल करती है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मंजीत चिल्लर पे भी टीम दाव खेलती है। इस बार भी कहानी कुछ उस हिसाब की रहती है। मंजीत चिल्लर सीजन 6 में जो है यहाँ पे टोटल 19 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है 67 पॉइंट्स लेने में सफल होते हैं। इस बार भी कोई सुपर 8 नहीं, कोई सुपर 10 नहीं, टोटल 8 रेड पॉइंट्स लेने में वो सफल होते हैं एंड 59 टैकल पॉइंट्स लेने में वो सफल होते हैं। यानी कि अब जो है मंजीत चिल्लर उस राह पे थे जहां पे मंजीत चिल्लर सिर्फ और सिर्फ एज अ डिफेंडर टीम में शामिल हो सकते थे, एज अ रेडर उनके पास कोई चांस था ही नहीं। जहां पे सीजन 1 में वो एज अ रेडर यहां पे जो है ज्यादा अच्छी चॉइस थे, बट अब जो है वहां पे सीजन 6 के आते आते तक एज अ डिफेंडर ही अच्छी चॉइस रहे। मतलब कोई टीम को अगर मंजीत चिल्लर को ऐड करना है तो वो एज अ डिफेंडर ही उनको ऐड करेगा। उसके बाद आता है सीजन 7, फिर एक बार तमिल थलाइवास की टीम उन्हें मौका देती है। जी हाँ, तमिल थलाइवास की टीम उन्हें मौका देती है। 15 मैचेस वो टोटल खेलते हैं, 41 पॉइंट्स टोटल लेने में सफल होते हैं। इस बार सबसे ज्यादा एक मैच में 6 पॉइंट्स ही लेने में सफल हो पाते हैं। कोई सुपर एट नहीं, कोई सुपर 10 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 हाई फाइव्स लगा के अपना सीजन एंड करते हैं। इस बार सीजन 7 में पहले मैं आपको बता दूं टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी तमिल थलाइवास की, लीग की सबसे बेकार टीम थी। साथ ही साथ इनसे ही बड़े बड़े खिलाड़ी लाइक अजय ठाकुर, राहुल चौधरी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी अच्छी परफॉर्मेंस टीम के लिए नहीं कर पाए थे, तो अकेला यहाँ पे जो है मंजीत चिल्लर पे ब्लेम नहीं डाला जा सकता। मंजीत चिल्लर की कहानी कुछ इस हिसाब की थी कि मंजीत चिल्लर जब स्टार्टिंग में नेशनल टीम से प्रो कबड्डी में ज्वाइन हुए थे, तो सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 में मंजीत चिल्लर की परफॉर्मेंस हाई क्लास थी। लाइक अभी तक जो मैंने 2 प्लेयर्स की यहाँ पे जर्नी कवर की है उसमें क्या था कि यहाँ पे स्टार्टिंग उनकी डाउन थी बट फिर वो अप आए। यहाँ पे मंजीत चिल्लर की कहानी कुछ इस हिसाब की है कि स्टार्टिंग उनके अप था बट अब धीरे धीरे वो खिलाड़ी डाउन जाता जा रहा था। अगले साल सीजन 8 में यहाँ पे जो है मैं इतनी ज़्यादा शॉर्टी से नहीं कह सकता, बट हो सकता है कि मंजीत चिल्लर में खेलते हुए ना दिखे, हो सकता है वो अनसोल्ड हो,
कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मंजीत चिल्लर जैसा डिफेंडर, मंजीत चिल्लर जैसा ऑलराउंडर शायद ही इंडिया को देखने को मिले। 108 टोटल मैच खेले हैं इस खिलाड़ी ने, 563 टोटल पॉइंट्स हासिल करे हैं आज तक। साथ ही साथ 5 सुपर 8 लगाई हैं पूरी प्रो कबड्डी हिस्ट्री में, 2 सुपर 10 लगाए हैं, 23 हाई फाइव्स लगाए हैं, जी हाँ 23 हाई फाइव्स लगाए हैं, 339 टोटल टैकल पॉइंट्स हासिल करे हैं, 224 टोटल रेड पॉइंट हासिल करे हैं इस खिलाड़ी ने। बेशक जो हम बात हमने पहले भी आपके साथ रिपीट करी कि मंजीत चिल्लर का स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, बट फिर मंजीत चिल्लर डाउन गए, बट एक बात बहुत अच्छी गौर करने वाली है, ये खिलाड़ी नेशनल टीम से आया, प्रो कबड्डी में धमाल मचाया, बेशक कितना भी डाउन गया ये खिलाड़ी, बट आज भी टॉप डिफेंडर है पूरी प्रो कबड्डी हिस्ट्री का, और आने वाले कुछ टाइम तक मंजीत चिल्लर ही टॉप डिफेंडर रहने वाले हैं जिस हिसाब से उनके पॉइंट्स हैं। सो ये थी एक जर्नी मंजीत चिल्लर की, कि मंजीत चिल्लर का स्टार्टिंग कितनी अच्छी थी, बट बाद में खिलाड़ी डाउन हुआ, हो सकता है सीजन 8 में आके खिलाड़ी धमाका मचा दे, बट जो उनकी जर्नी अभी तक की थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डाउन जाने के बाद भी वो खिलाड़ी खेलता रहा, इंजरी के बाद भी वो खिलाड़ी खेलता रहा, तो फिर जाके वो खिलाड़ी बेस्ट ऑलराउंडर बना प्रो कबड्डी का। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड शेयर कर दे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।